बिजली के बुहरान से हम निकल क्यों नहीं पा रहे, क्या वजह है? हुकूमती सीरियसनेस नहीं है या हम इस काबिल नहीं है कि हम बिजली के बुहरान से अपने लोगों को निकाल सकें? बिजली के इस मसले से हम अभी तक निकल नहीं रहे, इसलिए कि किसी हुकूमत ने भी इसको सीरियसली नहीं लिया। ठीक है, उनके जो हुक्मरान हमारे होते हैं ना, उनके साथ वो सिस्टम होता है, वो उनके उनके लिए न कोई लोड शेडिंग होती है न कोई और मसला होता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है आम आदमी का। ठीक है, आम हमारे तो उनके लिए उनको कोई फिक्र नहीं है। ठीक है, कहने अदरवाइज ये मुल्क ऐसा है कि अगर अगर शुरू से इस मसले को हल किया जाता, जिसका मतलब वापडा बहुत साल चीखती रही, चिल्लाती रही और ये कहती रही कि ये गलत रास्ते हैं, ये गलत रास्तों पर मत जाएं, असली रास्ते जो हैं वो हमारे हाइडल का है। क्योंकि एक तो सबसे पहले इसकी कीमत जो होगी वो इतनी कम होगी कि आम आदमी जो है वो उसको इसकी चोरी करने के लिए कोई टेम्पटेशन नहीं होगी। ठीक है, जब 10 पैसे 5 पैसे के ऊपर फी यूनिट बिजली हो तो लोग नहीं करते। मैं हमेशा वापडा में जब था तो मैं अपने कोलीग्स को यही कहा करता था कि जितनी बिजली महंगी होगी इतनी चोरी ज्यादा होगी। हम आप हाइड्रो की तरफ शुरू हो जाएं, ठीक है, आप कालाबाग डैम बनाना शुरू कर दें, क्योंकि वो अभी सबसे कम वक्त में बन सकता है, सबसे कम पैसों में बन सकता है। ठीक है, तो कालाबाग डैम पे क्या इशू है सर, क्यों नहीं बना पा रहे हैं उसको? सियासी मसले नहीं, इसके ऊपर हिंदुस्तान नाराज हो जाएगा। नहीं मतलब प्रोजेक्ट पाकिस्तान का, हिंदुस्तान क्यों नाराज हो जाएगा सर? हिंदुस्तान इसलिए नाराज हो जाएगा कि पाकिस्तान के लिए आसानी होगी। अच्छा, पाकिस्तान के लिए आसानी होगी, इसका मतलब यह कि पाकिस्तान के अंदर जो मोहरे हैं भारत के वो बनने नहीं दे रहे? वो बिल्कुल, ये तो पहले दिन से यही है ना। अच्छा, ये पाकिस्तान में तो मुझे, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि देखें ये हम जो कुछ कर रहे हैं वही हम ऐसे ही लोगों के दिखावे के लिए हम इधर उधर कर रहे हैं, अदरवाइज हम इंटरेस्टेड नहीं है। अगर हम इंटरेस्टेड होते तो मैं बताता हूँ आपको, जो वापडा का प्लान था, प्रोग्राम था मंगला तरवेला के बनने के बाद, ठीक है, के तकरीबन 1990 में हम कालाबाग बनाते और 2010 में हम बाशा डैम मुकम्मल करते, और ये अगर होता तो पाकिस्तान में कभी भी कोई मसला ना होता, न लोड शेडिंग का मसला होता और न चोरी का मसला होता। अच्छा, क्योंकि बिजली बड़ी आसान होती, ठीक है, हमारे कारखाने बनते, हमारे कारखानों में जो पाकिस्तान का हाल होता, मैं बताता हूँ आपको, अगर ये रास्ते हम फॉलो करते तो उन रास्तों में तो पाकिस्तान एशिया का टाइगर बन चुका होता। अच्छा, ये जो लोग कहा करते थे उस जमाने में। अच्छा, तो लेकिन वो रास्ते हमने नहीं अपनाए। ठीक है, वो नहीं अपनाए, सियासी क्या कहते हैं ना, मसलियत के नजर हो गया मामला। इंडियन लॉबीज का बोझ का बहुत अच्छा, होता। अच्छा, कालाबाग डैम के मामले में सबसे ज्यादा एएनपी चीखती रही है, एएनपी कहती है जी हमारा हक मारा जाएगा, हमारा पानी मर जाएगा, हमारी जमीन चली जाएगी। हक किसी का नहीं मारा जाएगा। अच्छा, हक किसी का, हक सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को मारा जाना था। हाँ, कि अगर आप नहीं बनाते तो आप पाकिस्तान के लोगों का हक उनको नहीं देते। यानी कालाबाग डैम अगर बन जाए तो किसी का कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। फायदा ही फायदा है, और लेकिन वो भी अकेला ना होता। मुझसे आखिरी दिनों में जनरल मुशर्रफ ने एक सवाल पूछा था, मुझसे कहा था कि शम साहब ये कालाबाग डैम और बाशा डैम में आपकी प्रेफरेंस कौन सी है, आप किसको चाहते हैं कि पहले हो जाए? मैंने कहा सर ये सवाल आपने मुझसे बहुत लेट पूछा है, अगर आज से 10 साल पहले पूछते तो मैं आपको बता लाता, लेकिन अब तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम बहुत लेट हो गए हैं। अब एक डैम से काम नहीं बनेगा, हमें दोनों डैम बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या जवाब दिया सर, बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? बस कुछ नहीं दिया, लेकिन मैंने अपने अपने बात तो मैंने उनको बता दी कि हाँ, भाई एक डैम ये अब जो एक डैम से काम नहीं चलेगा, दोनों डैम बनाने पड़ेंगे। अच्छा, और अभी भी हमें दोनों डैम बनाने पड़ेंगे, लेकिन शुरू आप कालाबाग से करें, इसलिए कि कालाबाग जो है सबसे चीपेस्ट है। लोड शेडिंग खत्म नहीं होने वाली?
जब पाकिस्तान में एक ऐसे इंसान की हुकूमत होगी जो वो कहेगा कि जनाब मैंने तो वो काम करना है जिसमें पाकिस्तान के लोगों का फायदा होगा, अगर किसी की एक आंख हंस रही हो दूसरी रो रही हो, मुझे किसी और का फिक्र नहीं है, मुझे सिर्फ पाकिस्तान के अवाम का ख्याल है, ठीक है, तो फिर ये सब कुछ ठीक ठीक तो ऐसा कोई है आपकी नजर में सर? मेरे ख्याल में, मेरे नजर में तो आप हैं। नहीं सर, हम अल्लाह तो करे, आम से आदमी हैं। इमरान खान से कोई उम्मीद कर सकते हैं इस हवाले से कि नहीं सर? मैं कुछ इस मामले के लोग कहेंगे ये सियासी बात हो रही है। नहीं, मैं आपकी ज़ाती राय पूछ रहा हूँ, सियासी बात नहीं पूछ रहा। नहीं, सियासी बात तो हो जाती है ना।